दोस्तों क्या आपको पता है एक अंडे से तितली का जन्म कैसे होता है। दोस्तों सबसे पहले तितलियां पेड़ पौधों की पत्तियों पर अपने अंडे देती हैं, जो किसी भी रंग के हो सकते हैं। फिर कुछ समय के बाद अंडे में लार्वा बनने के साथ साथ उनका रंग भी बदलने लगता है और अंडे में कुछ हलचल महसूस होने लगती है। फिर लगभग 5 दिन के बाद अंडे का रंग काला हो जाता है। फिर लार्वा कुछ ही दिनों तक बाहर आ जाता है। फिर जब लार्वा बाहर आता है वही अंडे की परत और पत्तियों को खाने लगता है और 10 दिन बाद यही लार्वा 3 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। इसी दौरान वो अपनी स्किन भी चलता रहता है। फिर इसके 20 या 25 दिन के बाद पूरी तरह से ग्रो हो जाता है और तितली बनने के करीब हो जाता है, जिससे वो अपनी लार से चिपचिपा सा पिदार तैयार करता है। फिर वो अपने शरीर का पिछला हिस्सा उससे अटैच कर देता है। फिर वो अपने आसपास एक लेयर तैयार करता है और थोड़ी देर बाद प्यूबा में बदल जाता है। फिर 1 महीने बाद इसके शरीर में बदलाव होने लगता है और साथ में हलचल भी महसूस होने लगती है और देखते ही देखते उसके अंदर से एक खूबसूरत सी तितली बाहर आने लगती है।